हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बहुत ही कम पार्ट्स यूज़ करके एक पुश ऑन ऑफ स्विच बनाएंगे। दोस्तों, इसके लिए हम तीन ट्रांजिस्टर को यूज़ करेंगे। उनमें से दो BC547 जो NPN ट्रांजिस्टर है और 558 एक PNP ट्रांजिस्टर के यूज़ करेंगे। इसके साथ एक 1 माइक्रोफेराड का कंडेंसर लेंगे। तो दोस्तों, चलिए इसको बना लेते हैं। पहले BC547 जो NPN ट्रांजिस्टर है उसको यहाँ पे लगा देते हैं। इसका जो कलेक्टर जो पिन है उसके साथ एक LED लगाएंगे। LED का कैथोड यानी कि माइनस वाला पिन ट्रांजिस्टर का कलेक्टर से साथ जोड़ देंगे। अब एक 2.2 के रेजिस्टेंस लेंगे, सीरीज में LED के साथ जोड़ दिया। अभी BC558 जो PNP ट्रांजिस्टर है वो लेंगे और इसके एमिटर का वाला जो पिन है उसको पॉजिटिव वोल्टेज जहाँ पे देंगे उसके साथ लगा देंगे। यहाँ पर एक 10 के रेजिस्टेंस देंगे। अभी 2.2 के रेजिस्टेंस बेस और एमिटर के साथ जोड़ दिया। अभी एक 10 के रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देंगे। ये 100 के रेजिस्टेंस जहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई है वहाँ पे देंगे। और अभी एक NPN ट्रांजिस्टर लेंगे BC547। तो इसका जो कलेक्टर वाला जो पिन है वहाँ पे लगाएंगे और बेस का पिन उल्टा करके लेते हैं। कलेक्टर के साथ 100 के रेजिस्टेंस लगा दिए और बेस के साथ जो 10 के रेजिस्टेंस उसको लगा दिए PNP ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाला जो पिन है उसके साथ। और यहाँ पे 100 के रेजिस्टेंस लेंगे और 1 माइक्रोफेराड जो कंडेंसर लिया है उसका पॉजिटिव पिन के साथ ये रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। सबसे पहले जो ट्रांजिस्टर लिए थे उसके बेस के साथ एक 1 के रेजिस्टेंस देंगे। यहाँ पे जो एमिटर पिन है वहाँ पे माइनस वोल्टेज देना पड़ेगा और यहाँ पे भी माइनस वोल्टेज होगा। तो दोस्तों, सर्किट लगभग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई देंगे। दोस्तों, छोटी सी चेंज करेंगे यहाँ पे, ये जो 10 के रेजिस्टेंस है इसको खोल के यहाँ पे 2.2 के रेजिस्टेंस वहाँ पे लगाएंगे। और ये जो पिंक कलर का वायर देख रहा हूँ ये स्विच के लिए, मतलब कि यहाँ से ही स्विच का तार आ रहा है और ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने एक 0.1 UF कैपेसिटर लिए हैं, 104 भी बोल सकते हो। तो जब प्रेस ऑन और दोबारा प्रेस करने पर ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ। दोस्तों, सर्किट जब ऑफ रहता है तब कैसे काम करता है? पिंक कलर का जो वायर है यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज है अभी, तो जब से इसको प्रेस करते हैं तो रेजिस्टेंस कैपेसिटर होकर ये वाला जो पहले वाला ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, तब ये सेकेंड वाला ट्रांजिस्टर ये भी ऑन हो जाता है। तो इसका वोल्टेज, मतलब कि इसका जो कलेक्टर जो पिन है यहाँ से वोल्टेज फिर से पहले वाला ट्रांजिस्टर पर बेस में जाता है तो ये चालू हो जाता है और ये साइकिलिंग होता रहता है। और यहाँ पे उसी समय जो दूसरा एक ट्रांजिस्टर है वो भी ऑन हो जाता है, तो यहाँ पे 0 वोल्टेज फिर से हो जाता है। तो जब भी इसे पहले वाला जो ऑन करते हो तो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से जाकर सर्किट को ऑन कर दिया, ठीक है। तो अभी जब ये ऑन कंडीशन में रहता है तो अब यहाँ पे ये लास्ट में जो 3 नंबर का जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज क्रिएट होता है। तो जैसे 0 वोल्टेज को फिर से हम लगाया तो ये ऑफ हो गया। अभी मल्टीमीटर से भी आपको लोग दिखाएंगे। तो अभी ये सर्किट ऑफ है, मतलब कि यहाँ पे जो पिंक कलर का वायर है यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज है, देख सकते हो यहाँ पे मीटर में शो होगा। ये देखो 8 वोल्ट करीब है। तो जब भी इसे ऑन करता हूँ तो ये वोल्टेज पहला वाला जो ट्रांजिस्टर इसका बेस के अंदर जाता है, तो ये सर्किट ये साइकिलिंग होता रहता है। अभी जैसे सर्किट ऑन हो गया तो यहाँ पे 0 वोल्टेज क्रिएट हो गए। तो जैसे फिर से प्रेस किए ये 0 वोल्टेज पहला वाला जो ट्रांजिस्टर उसके बेस के अंदर गए तो सर्किट को पूरा ऑफ कर दिया और ये जो है ये साइकिलिंग होता रहता है। और फिर से ये जो 100 का रेजिस्टेंस है इसके साथ आके ये वाला जो कैपेसिटर इसको चार्ज कर देता है, फिर से वोल्टेज क्रिएट हो जाता है और ये सर्किट ऑन हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से ये सर्किट काम करता है। टच ऑन, टच ऑफ, ऑन भी आप 3 ट्रांजिस्टर यूज़ करके इसे कर सकते हो। अभी LED को चेंज करके दूसरा एक LED लगाएंगे जो थोड़ा ज़्यादा करंट, ज़्यादा वोल्टेज लेता है। तो इसको हम यहाँ पे लगा दिए। अभी इसे टेस्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक स्विच लगाना चाहिए था तो टच करने के लिए, देखो टच ऑन टच ऑफ कैसे काम कर रहा है। तो दोस्तों, आई होप का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। इस तरह का और भी वीडियो पाने के लिए दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अगर कुछ भी पूछना है तो दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।